हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पीहू में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई दूज स्पेशल में मैं आज आपके साथ बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे बनाने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। रेसिपी और मिठाई दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, इसे डेरी वाइटनर भी बोलते हैं, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। मिल्क पाउडर से आधी क्वांटिटी में 1 कटोरी शक्कर ली है, साथ ही लिया है 1 कप फुल क्रीम मिल्क, आप चाहे तो नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हो, और 2 चम्मच मेल्टेड घी, या घी को हमें सेमी सॉलिड फॉर्म में ही लेना है। सबसे पहले पैन में डाल देंगे दूध। दूध डालने के बाद इसे हल्का सा गर्म होने देंगे, उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी। तो घी को हमें सेमी सॉलिड फॉर्म में ही डालना है, यानी मेल्टेड घी। इन दोनों चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर पकाना है। जब ये आपस में अच्छे से मिल जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे शुगर। तो शुगर आप पाउडर शुगर भी ले सकते हो। अगर हम पाउडर शुगर डालेंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा और हमारी मिठाई और भी जल्दी बन जाएगी। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। मिठाई बनाते समय गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिल जाएंगी तब हम इसमें डाल देंगे डेरी वाइटनर। जब हम इसे मिल्क पाउडर डाल देंगे तब गैस का फ्लेम ऑफ करना है ताकि कोई भी लम्ब्स ना बने। इसे हमें लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए चला लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्ब्स ना पड़े, और अगर लम्ब्स पड़ जाते हैं तो आप इसे स्पैचुला की सहायता से निकाल सकते हो। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी है और ये चारों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल चुकी हैं। तो हमें इसे बस चलाते रहना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो, और गैस का फ्लेम हमें लोएस्ट ही रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम हमें बिल्कुल नहीं करना है। चाहे तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिर्फ 4 चीज़ों से ही मिठाई बनाने वाली हूँ, तो मैं 4 चीज़ें ही यूज़ करूँगी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो। तो ये अब सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले प्लेट में डाला है बटर पेपर और उस पर ग्रीस करेंगे घी लगाकर, और इस बैटर को उस प्लेट में डाल देंगे। डालने के बाद इसे गर्मा गर्म ही स्पैचुला की सहायता से स्प्रेड करते जाना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा हो जाए। चाहे तो आप इसे फैलाकर फ्रिज में भी रख सकते हो, बट इसे फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। चाहे तो आप इसे स्क्वायर शेप दे सकते हो। मैंने स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद ये काफ़ी रेस्ट हो चुका है, तो अब हम इस पर लगा लेंगे सिल्वर वर्क। तो मेरे पास ये सिल्वर वर्क है, मैं इस पर लगा लूँगी। चाहे तो आप इसे ड्राई फ्रूट से कवर कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सिल्वर वर्क। सिल्वर वर्क लगाने से इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा और रिच आएगा। चाहे तो आप बादाम, केसर, पिस्ता, किसी भी चीज़ से इसे कवर कर सकते हो। सिल्वर वर्क लगाने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद अब हम इसे साइड से कट करेंगे और इक्वल शेप दे देंगे। तो मैं इसे स्केल और पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसे कट कर रही हूँ, और इसे हम स्क्वायर शेप दे देंगे ताकि ये हमारी जो बर्फ़ी है इक्वली शेप में अच्छी तरह से कट हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ पर नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। नाइफ़ को थोड़ा शार्फ कर लेना है। पिज़्ज़ा कटर यूज़ करोगे तो ये आसानी से अच्छी तरह से इक्वल शेप में कट हो जाएगा। तो पहले मैं इस तरह से लंबे शेप में इसे कट कर रही हूँ, उसके बाद हम इसे छोटे शेप में भी कट करेंगे। चाहे तो आप इसे कुकी कटर से भी कट कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। तो मैं इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में इसे कट कर रही हूँ। जैसे सोचा था मन में कि मैं इस भाई दूज इस तरह की मिठाई बनाऊंगी, तो बहुत बढ़िया इस तरह की मिठाई मैंने बना ली है फ्रेंड्स, और आपके साथ शेयर करी। आप इस भाई दूज को, आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करना। इसकी थिकनेस देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लग रही है, लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा और रिच लुक। चाहे तो आप इसे बादाम, पिस्ता और केसर के साथ गार्निश कर सकते हो।
अब देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया मलाईदार और मज़े की लग रही है हमारी मिठाई। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।